की आजादी का पर्व समारोह 15 अगस्त को हर साल की तरह इस बार भी बेहतर तरीके से मनाने के लिए जहां पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, वहीं शहर को पूरी तरह से तिरंगे के रंगों से सराबोर कर दिया गया है। साथ ही तिरंगा यात्राओं के आयोजन में भी क्षेत्र को देशभक्ति के रंग में डुबो दिया है। मदन लाल घिंगड़ा स्टेडियम में होने वाले समारोह की आज फूल रिहर्सल करवाई गई, जिसकी देखरेख एसडीएम विवेक आर्य ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखा और परेड की सलामी भी ली। समारोह सुरक्षित और सफल हो इसके लिए डीसीपी रविंद्र तोमर ने भी सत्य खबर पर फोन से बातचीत कर क्या कहा, देखिए। गुहाना से सारिका की एक रिपोर्ट। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं सारिका बोल रही हूँ सत्य खबर से। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अभी 15 अगस्त को एक बहुत बड़ा समारोह का आयोजन होता है हर वर्ष हमारे यहाँ, तो समारोह में किसी तरह का कोई खलल ना डाले, सुख शांति से हो, तो उसको लेके पुलिस की किस तरह की तैयारी है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इस पर्व के लिए मैं सभी को, भारतवासियों को, गोहाना वासियों को, सोनीपत वासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही हमारे देश के लिए एक पर्व है ये, जिसको पर्व के तौर पे हम कल मनाएंगे। तो एज सच जो आपका प्रश्न है कि कोई किसी तरह खलल ना हो, इसके लिए हमारे सारे इंतजाम पुलिस के हैं, हमारे नाके हैं, लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए भी हमने ट्रैफिक की ड्यूटियां लगाई हैं, ताकि वहाँ परेड देखने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए लोग आराम से जा सकें। सर जैसे हर साल एक तैयारी होती है कि भाई कोई भी अपराधी या शरारती तत्व कहीं सार्वजनिक पैलेस पे कोई गड़बड़ ना करे, होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, तो क्या दो तीन दिन पहले उनको चेक किया गया है आपकी पुलिस द्वारा? हमारी चेकिंग लगातार चल रही है, जो भी होटल हैं उनको पहले से ही हमने वैसे तो कर रखा है, लेकिन इस क्योंकि 15 अगस्त को देख के हमने चेकिंग ज्यादा तेज की है, जिसमें हमारे सीआईडी के जितने भी गुप्तचर इकाइयां हैं और या हमारे सिक्योरिटी ब्रांच है या हमारे खुद एसएचओज हैं, चौकी इंचार्ज हैं, एसीपी साहिबान हैं, वो सब उसमें लगे हुए हैं चेकिंग के लिए। होटल है, शराय हैं, या कोई भी ऐसा स्थान जो है जिसमें लोगों का, जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, सब जगह हम चेकिंग कर रहे हैं। सर 15 अगस्त को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन तिरंगा यात्राओं का आयोजन करने लगे हैं पिछले कई साल से, और इस बार मैंने देखा वो ज्यादा उसका ट्रेंड हो गया है। तो मैंने कई तिरंगा यात्रा देखी है, आज तो एक कवर भी की, जिस तरह से धुआंधार बाइकें और बगैर हेलमेट के, एक तरह से मैं कहूं कि बड़ा अजीब सी स्थिति लग रही थी कि या तिरंगा यात्रा है या हुड़दंगबाजी है। इसको लेके कोई डायरेक्शन नहीं दी गई कि कोई भी तिरंगा यात्रा निकाले तो वो इन नियमों का पालन करे? देखिए, इसमें हमने सभी तरह की जो डायरेक्शंस दे रखी हैं उनसे जो आयोजक है उसको बिल्कुल इसके लिए हमने उसको इस बात के लिए बोल रखा है और शर्तों में लिखा भी हुआ है। जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस तरह का कुछ नौजवान युवकों ने मोटरसाइकिल पे, आपका कहने का मतलब हुड़दंग, तो देखिए क्योंकि झंडा तिरंगा हमारा जो है देश का सबसे, यही हमारी पहचान है झंडा, तो स्वाभाविक है कुछ युवा इस बात को ज़्यादा जोश में करके वो सीटियां बजाना या किलकारी मारना, इस तरह की बातें मेरे भी नोटिस में आई हैं। हमने आयोजक को बुलाया है और आगे जो भी आयोजक इस तरह प्रोग्राम करेगा हम उसको इस चीज़ के लिए पहले यही कंडीशन और लागू करवाएंगे जी, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। सर ये एक हमारे लिए शान की बात है, तो शान से ही इसको कार्यक्रम को करना चाहिए, ना कि इसको कोई इसको हुड़दंग कहे, ये भी हमें मंजूर नहीं होना चाहिए। तो आयोजक को पहली एक कंडीशन रहेगी कि उसको बड़ा शांतिप्रिय ढंग से, बड़े डिसिप्लिन तरीके से और एक सभ्यता जो हमारा जिस चीज जिस झंडे को लेके हम चल रहे हैं, तो हमें और सीजनड होना चाहिए, सभ्य दिखाई देना चाहिए। सर दो दिन बाकी हैं और आज मेरे ख्याल में फाइनल रिहर्सल थी, तो लगता है कि फाइनल रिहर्सल के लिए 15 अगस्त का जो कार्यक्रम पूरी तरह से रेडी है? बिल्कुल, तमाम आज तैयारियां, आज फाइनल रिहर्सल थी, सारी तैयारियां देख ली हैं और परसों जो है ये कार्यक्रम का आयोजन होना है 15 अगस्त को, वो धूमधाम से सभी मिलके मनाएंगे, हमारे लिए ये पर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।